हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कवर करेंगे फैक्ट की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, क्या है डिटेल। इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और डिग्री मांगी गई है, तो डिप्लोमा और डिग्री वाले ही ये सब के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सब इस वीडियो को लीव ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सब के लिए ये वीडियो नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री के लिए है। बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सब के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर काफ़ी सारे जॉब से रिलेटेड लिंक दिया हूँ मैं, जो वहाँ से सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के रिलेटेड भी जॉब मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या डिटेल और भी दिए गए हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है फैक्ट का, जो दिया गया द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड। यहाँ से उसका नोटिस मिल जाएगा, मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, ये उसका नोटिस है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया गया है, इसका यहाँ पे एड्रेस वगैरह, नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया गया है। पहला आ जाता है ग्रेजुएट के लिए, देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो ये अप्रेंटिस के लिए है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर के लिए रहेगा, 10,000 पर मंथ मिलेगा अमाउंट। क्वालिफिकेशन क्या है, बी टेक यूजीसी और AICTC दोनों वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल अप्लाइड, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, ये जितने भी मैंने आप लोगों को पढ़ा के सुनाया, ये सब ट्रेड वाले बी टेक वाले इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई होना जरूरी है, AICTC या तो फिर UGC। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं एज से रिलेटेड, जो नॉट मोर देन दिया गया है 25 ईयर, 1/1/2020 के आधार से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे हम लोग का और क्या डिटेल मिल जाता है, एक टेबल मिल जाता है जहाँ पे डिसिप्लिन वाइज कोटा दिया गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 2 दिया गया है, देखिए 2 वैकेंसी इसमें है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2 है, सिविल के लिए दिया गया है 3, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है 5, मैकेनिकल के लिए दिया गया है 5, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 4 दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेशन के लिए 3 दिया गया है। टोटल हो जाता है 24 वैकेंसी इस सबके, सब कुछ ऐड करा के। अब अगला हम लोग देखते हैं टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, इसमें 8,000 अमाउंट मिलेगा। हम लोग इससे पहले वाला बी टेक के लिए देखे थे, यानी कि डिग्री के लिए, ये डिप्लोमा के लिए आ जाता है। डिप्लोमा होना चाहिए और ये किस किस ट्रेड में होना चाहिए, केमिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल, ये सब के लिए, डिप्लोमा वाले सब के लिए निकल के आता है, जिसका 8,000 अमाउंट मिल जाएगा। अब इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क के साथ में, जो जनरल के लिए दिया गया है, एंड 50% SC ST के लिए दिया गया है। एज लिमिट दिया गया है 23, जो पहले वाला हम लोग देखे थे उसी तरह से यहाँ भी 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/1/2020 के आधार से अगर कैलकुलेट करने से। उसी तरह से यहाँ भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, केमिकल के लिए 15 दिया गया है, कंप्यूटर वाले सब के लिए 13 दिया गया है, सिविल वाले के लिए 5 दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सब के लिए 5 दिया गया है, इंस्ट्रूमेशन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी ये सब के लिए 4 निकल के आता है, 10 जो वैकेंसी निकल के आता है मैकेनिकल के लिए, और डिप्लोमा इन कॉमर्शियल वाले सब के लिए DCP के लिए 5, टोटल 57 वैकेंसी डिप्लोमा वाला सब के लिए निकल के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया है, द ग्रेजुएट डिप्लोमा कैंडिडेट में अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप थ्रू द ऑनलाइन अप्लीकेशन, इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, www.fact.co.in, ऑन बिफोर 23/1/2020 से पहले करना होगा ऑनलाइन अप्लाई। क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा वो सब का डिटेल यहाँ पे पॉइंट वाइज दे दिया गया है, SSLC सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट के साथ में, देखिए मार्कलिस्ट भी लिखा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST जिससे आप लोग बिलोंग करते हैं वो सब का सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है सब कुछ डिटेल लगेंगे। एग्जाम के टाइम में क्या क्या लाना होगा, देखिए एडमिट कार्ड अलोंग विथ
फ़ोटो के साथ अटेस्टेड एससी एसटी सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सब का डिटेल लेके जाना होगा एग्ज़ाम के टाइम में। ये सब का डिटेल सब कुछ दिया गया है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 50% मार्क और उसके बाद रिटेन टेस्ट 50% मार्क, ये दिया गया है इसका करेक्ट क्रिया। तो ये होना ज़रूरी है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो। और ये डिटेल जो भी दिया गया है यही डिटेल दिया गया है, बाकी और कोई यहाँ पे पीडीएफ नहीं है, बस 4 पेजेस के हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो का, वहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ, डाउनलोड करें, अच्छी तरह से पढ़ें समझें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें।